स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हरियाणा भारत के उन स्टेट्स में से एक है जहां पर हरप्पन कल्चर और वैदिक एरा के एविडेंसेस तो पाए ही जाते हैं। साथ ही हस्तिनापुर और पानीपत जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मौजूद हैं, जिन्हें आज भी हम इंडियन आइडेंटिटी के तौर पर देखते हैं। इतिहास के साथ ही साथ मॉडर्न डे इंडिया में भी हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी जैसे सेक्टर्स में सबसे ऊपर आता है। यही वजह है कि आज हरियाणा देश के सबसे अमीर राज्यों में से भी एक है। लेकिन दोस्तों, ये रियलिटी उसके स्टेट फॉर्मेशन के समय की नहीं है। हरियाणा जब बतौर स्टेट पंजाब से अलग हुआ, उस टाइम पर उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर ना तो ठीक से खेती हो पा रही थी और ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद 1970s से हरियाणा ने जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की राह पकड़ी, उससे वो न सिर्फ पंजाब से आगे निकला बल्कि आज देश के कई राज्यों से आगे निकल गया है। हालांकि इसके बावजूद भी हरियाणा के जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी आज दुनिया भर में सुनाई जाती है, उसकी अपनी एक डार्क रियलिटी भी है। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि केरला की तरह हरियाणा का डेवलपमेंट भारत के बाकी स्टेट के लिए एक मॉडल है, और इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की डिस्पैरिटी और अंडर डेवलप्ड सोशल सेक्टर। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के उस इकोनॉमिक ग्रोथ की जर्नी को समझेंगे जिससे वो इंडिया के रिचेस्ट स्टेट की लिस्ट में शामिल हो सका। साथ ही हरियाणा के इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के डार्क साइड का भी एनालिसिस करेंगे जिससे हरियाणा आज देश का सबसे इनसिक्योर स्टेट भी बन चुका है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 1857 के रिवॉल्ट के दौरान जिन इलाकों ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, हरियाणा भी उनमें से एक था। अंग्रेज इसीलिए हमेशा इस रीजन को रेबेलियस रीजन कहकर बुलाते थे और उनको मालूम था कि हरियाणा उनके लिए आगे खतरनाक भी हो सकता है। इसी डर से अंग्रेजों ने हरियाणा के खिलाफ एक साजिश रची, और वो साजिश ये थी कि हरियाणा जो एक हिंदी भाषी रीजन था, जो कभी दिल्ली प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, उसको कमजोर करने के लिए पंजाब प्रोविंस के साथ मर्ज कर दिया गया। इससे हुआ ये कि हरियाणा के लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से कट गए और वो पंजाब के साथ अपनी भाषा और अपने कल्चर को मैच करने में स्ट्रगल करने लगे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर पंजाबी लैंग्वेज सीखने का एक प्रेशर बढ़ने लगा। ऐसे में जब इंडिया के आजाद होने की स्क्रिप्ट 20th सेंचुरी में लिखी जाने लगी थी, उसी टाइम 1923 में हरियाणा को पंजाब से अलग एक स्टेट की तरह बनाने की मांग शुरू हुई। देखा जाए तो सबसे पहले स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में अलग हरियाणा की मांग की, लेकिन आजादी के बाद भी हरियाणा एक अलग स्टेट नहीं बन सका बल्कि वो पंजाब में ही शामिल रहा। धीरे धीरे हरियाणा के लोगों के मन में पंजाब के कल्चर को अपोज करने की शुरुआत हो गई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब के लोग पंजाबी को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 30th अप्रैल 1957 को यूनाइटेड पंजाब में हिंदी लैंग्वेज मूवमेंट ऑफ पंजाब की शुरुआत हुई, और इसका मकसद था कि पंजाब से अलग एक स्टेट यानी कि हरियाणा का फॉर्मेशन किया जाए। दूसरी ओर अकाली लीडर्स पंजाबी सूबा एंड पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट को शुरू कर चुके थे, जो रिलीजन के बेसिस पर एक स्टेट की मांग कर रहे थे। दोस्तों, फाइनली 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यूनाइटेड पंजाब से अलग होकर 3 स्टेट बन गए, और इस तरह से हरियाणा बतौर स्टेट अपने एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन जिस टाइम हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उस टाइम पर हरियाणा की हालत इतनी खराब थी कि उसे पंजाब का गरीब भाई भी कहा जाता था। दोस्तों, हालात ऐसे थे कि हरियाणा के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं होते थे। साथ ही पूरा हरियाणा जो अपने एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, वहाँ ब्रिटिशर्स की पार्शियलिटी के चलते हर साल सूखा पड़ने लगा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, देखा जाए तो उस टाइम पर उन्होंने यहाँ के इरिगेशन और एग्रीकल्चर को जानबूझकर इग्नोर किया था, और इसीलिए लगातार सूखे की वजह से वहाँ के लैंड्स की फर्टिलिटी कम हो गई थी। ऐसे में हरियाणा के पास बिना किसी एग्रीकल्चर रिफॉर्म के खेती पर डिपेंड होने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों, सडनली हरियाणा में एक ड्रामेटिक ग्रोथ देखने को मिली, जिस वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पंजाब को पीछे छोड़ने लगा, और जिस पंजाब से उसकी GDP स्टेट फॉर्मेशन के समय आधी थी, वो पंजाब से सरप्लस होने लगी। साथ ही हरियाणा में इंडस्ट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पर कैपिटा इनकम में भी उछाल आया।
देखा जाए तो इन सब की शुरुआत हुई ग्रीन रेवोल्यूशन से। दरअसल आजादी के बाद भी भारत में इतना फूड प्रोडक्शन नहीं था जिससे पूरे देश का पेट भरा जा सके, इसलिए सरकार ने फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए दो स्टेट को चुना जिसमें एक था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। दोस्तों इन दोनों राज्यों के ऊपर अब देश को अनाज देने की जिम्मेदारी आ गई और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम में बने भाखड़ा नांगल बांध की रीच इन दोनों स्टेट में ज्यादा थी जिससे इरिगेशन का एक बेहतर ऑप्शन डेवलप हो सका। साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन जैसे तरीकों ने हरियाणा जैसे छोटे स्टेट से भी देश भर के लिए अनाज की उपज होने लगी। 1966 में हरियाणा में जहां सिर्फ 26 लाख वीट प्रोडक्शन होता था वो 2016 में 166 लाख टन हो गया है। और दोस्तों हरियाणा आज सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में गिना जाता है। देखा जाए तो वीट के साथ ही साथ राइस, मिल्क और एग जैसे फूड आइटम्स के प्रोडक्शन में भी आज हरियाणा देश में बहुत आगे है। ऐसे में ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा के आम लोगों के इनकम, एम्प्लॉयमेंट और न्यूट्रिशन जैसी बेसिक कमी को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा। लेकिन दोस्तों सिर्फ एग्रीकल्चर ही हरियाणा को अमीर बनाने में मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं रहा बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भी हरियाणा को काफी फायदा हुआ। देखा जाए तो हरियाणा 40% स्टेट बाउंड्री को दिल्ली के साथ शेयर करता है जबकि बाकी का 60% दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है। ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज ने दिल्ली से कुछ ही दूरी पर मौजूद इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और इंडस्ट्रीज जब हरियाणा में ग्रो होने लगी फिर इसी ने हरियाणा को ग्रोथ के मामले में पैसेंजर से सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया। दोस्तों इस तरह के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी 1982 में जब मारुति ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुरुग्राम को चुना। देखा जाए तो उसके बाद से हरियाणा में ट्रैक्टर और कार जैसे बड़े ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के प्रोडक्शन हाउस सेट होने लगे और आज भी मेनली ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हरियाणा में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। साथ ही देश की हाफ ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स यानी कि बाइक और कार हरियाणा में ही बनाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा हरियाणा के सर्विस सेक्टर को मजबूत करने में भी यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्ट किया जैसे कि 2006 की फर्स्ट लेबर पॉलिसी जिसे देश भर में पहली बार हरियाणा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और इससे कंपनीज और एम्प्लॉयज यानी कि दोनों को काफी फायदा हुआ। साथ ही कंपनीज को हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए साल 2005 में सिंगल विंडो प्रोग्राम लॉन्च किया गया और यही कारण था कि हरियाणा ने न सिर्फ हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में ही बल्कि आईटी और बायोटेक जैसे नॉलेज इंडस्ट्री सेक्टर में भी तेजी से डेवलप हुआ। दोस्तों इसका रिजल्ट ये रहा कि आज हरियाणा देश का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट बन चुका है। यहाँ पर आईटी कंपनीज जैसे कि गूगल, सैमसंग, अमेजन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज भी आज हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आज इंडियन जीडीपी में हरियाणा 3.86% का कंट्रीब्यूशन करता है जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था आज उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में सिर्फ 2.34% का ही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हरियाणा के डेवलपमेंट को एक मॉडल के तौर पर नहीं देखा जाता है। हरियाणा आज भी पुअर सोशल डेवलपमेंट, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ और इनइक्वलिटी जैसे इश्यूज के दलदल में फंसा हुआ है। ऐसे में आइए हरियाणा के इकोनॉमिक ग्रोथ के डार्क साइड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आज हम भले ही हरियाणा की ग्रोथ को एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ मानते हैं लेकिन उसकी असलियत यही रही है कि अगर हरियाणा से गुरुग्राम को निकाल दिया जाए तो पूरा हरियाणा उसी तरह से इकोनॉमिकली पुअर स्टेट काउंट किया जाएगा जैसे कि बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा की ग्रोथ महज कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई देती है जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे इलाके शामिल हैं। लेकिन दोस्तों इन इलाकों में भी कोई भी यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल लें तो जहां गुरुग्राम में पर कैपिटा इनकम 4.16 लाख पर एनम है वहीं हरियाणा के सेकंड रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में जो महज 1.63 यानी कि आधे से भी कम है। बाकी जिलों के हाल को भी अगर मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एग्जांपल से समझें तो हरियाणा का इलाका गुरुग्राम से सटा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी यहां की पर कैपिटा इनकम महज 45,934 रुपीज है। यानी कि जब भी हम हरियाणा के ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम का ही अकेले सबसे बड़ा रोल रहता है जबकि हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आज भी उसी तरीके से सफर कर रहे हैं जैसा कि वो पहले किया करते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेट के टोटल रेवेन्यू में 60% गुरुग्राम से आता है और स्टेट के टोटल इन्वेस्टमेंट में 70% गुरुग्राम को ही जाता है। दोस्तों अगर इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी की बात करें तो जहां गुरुग्राम का ग्रोथ रेट 12% है वहीं कई ऐसे जिले भी हैं जहां का इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 5-6% है जैसे कि कैथल, फतेहाबाद, जिंद और भिवानी। आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ दो जिले ही हरियाणा के टोटल जीएसडीपी ग्रोथ में 40% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। साथ ही दूसरे चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे जीएसडीपी में साल 2000 में जिन जिलों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था वो भी साल 2012 तक आते आते कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो हरियाणा के नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ के कॉन्ट्रास्ट इमेज को शो करता है। और यही कारण है कि आज भी हरियाणा के बाकी के रीजन्स में आज भी सोशल डेवलपमेंट की हालत बदतर है। सबसे पहले अगर आज हरियाणा के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हरियाणा आज उसमें नंबर वन है। देखा जाए तो हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 34.7% है जिससे बेहतर कंडीशन राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की है।
दोस्तों, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से हरियाणा के लाखों युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण पुअर स्किल्स है, जिसे खुद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है। और पुअर स्किल के लिए सबसे ज्यादा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के लोगों का माइंडसेट जिम्मेदार है। दरअसल हरियाणा के लोग आज भी एक फिक्स्ड और अच्छी सैलरी के साथ ही नौकरी करने में इंटरेस्टेड हैं। वो देश के बाकी राज्यों के लोगों की तरह बिजनेस या फिर लेबर ओरिएंटेड काम करना पसंद नहीं करते, जिसके चलते उन्हें उनकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा में पुअर सेक्स रेशियो का लंबा इतिहास रहा है। साल 2011 के सेंसस के हिसाब से वहाँ 1000 लड़कों पर सिर्फ 833 लड़कियां थीं, जिसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी हरियाणा में पैट्रियार्कल सिस्टम काफी ज्यादा डोमिनेंट है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में लास्ट चाइल्ड बॉर्न इन फैमिली का रेशियो 2300 बॉयज बाई 1000 गर्ल्स है, यानी कि आज भी हरियाणा में लड़के के बिना फैमिली को कंप्लीट नहीं माना जाता है। साथ ही हरियाणा के विमेन फोर्स में भी विमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ 19% है। दोस्तों, अगर विमेन हेल्थ की बात करें तो दिसंबर 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 71.1% विमेन एनीमिया के शिकार हैं, जबकि 2006 में नंबर सिर्फ 56.1% था, यानी कि 11 सालों में विमेन की कंडीशन और बदतर हुई है। दोस्तों, 2017 की उसी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 73 पर लैक्स थी, जो कि 53 पर लैक यानी कि नेशनल लेवल से बहुत ज्यादा है। इन सब के अलावा क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें तो हरियाणा में विमेन के साथ होने वाले क्राइम में साल 2021 से साल 2022 के बीच में 27% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट सरप्राइजिंग तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि एक साल में 1674 किडनैप्ड हुई विमेन्स की फैमिलीज में से सिर्फ 206 ने पुलिस में किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई। बाकी के लोगों ने किडनैप हुई महिलाओं के लिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और इससे पता चलता है कि हरियाणा के सोशल डेवलपमेंट में आज भी महिलाओं की जिंदगी सबसे खराब है। दोस्तों, महिलाओं के साथ स्टेट में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन करीब 20% है, जिन्हें आए दिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से देखा जाए तो आज भी हरियाणा उस बेहतर सोशल डेवलपमेंट की राह देख रहा है, जहां डिस्क्रिमिनेशन, क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज में कमी आए। दोस्तों, हरियाणा की तरक्की का मतलब जब तक गुरुग्राम और फरीदाबाद रहेगा, देखा जाए तो तब तक वहां के हर इलाके में एक समान डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। और उसी इनइक्वालिटी की वजह से हरियाणा के रूरल एरियाज आज भी बेसिक सोशल डेवलपमेंट में सबसे पीछे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा सबसे अनसेफ स्टेट भी बन गया है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हरियाणा के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और भी रीजन्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करें, जिससे स्टेट की इकोनॉमी में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े और स्टेट के अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आए। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट इसके लिए काम भी कर रही है। देखा जाए तो मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम इसका एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, जिसमें हरियाणा की उन महिलाओं को सरकार छोटे बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करेगी जिनके परिवार की आय 5 लाख से कम है। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट वेमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से हरियाणा में वेमेन सेफ्टी और उनके हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है। और दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने सक्षम युवा योजना की भी शुरुआत की है, जिसमें सरकार एजुकेटेड लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ को मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। साथ ही सरकार की कोशिश है कि ऐसे युवाओं को जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर कर सके। दोस्तों, इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ को कम करने के लिए गुरुग्राम की तरह ऐसे और भी रीजन्स को डेवलप करने में लगी हुई है, जिसे नए इकोनॉमिक हब की तरह बनाया जा सके, जिसमें पंचकुला को गुड़गांव की तरह ही डेवलप करने पर काम चल रहा है। साथ ही सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और करनाल जैसे जिलों में भी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, जो नियर फ्यूचर में हरियाणा के होलसम डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और जिसकी हरियाणा को सख्त जरूरत भी है। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।